आज का टॉपिक है सर्चिंग इन एरे। किसी भी प्रोजेक्ट में हमें सर्च तो करना होता है, जैसे कि अगर शॉपिंग का प्रोजेक्ट है तो प्रोडक्ट को सर्च करना है, और अगर पेरोल का प्रोजेक्ट है तो एम्प्लॉय को सर्च करना है। इस तरह से इस वीडियो में हम देखेंगे लिनियर सर्च टेक्निक। यहाँ हमें एरे में कुछ वैल्यूज दिए जाएंगे और हम एक वैल्यू इनपुट करेंगे जो हम इस एरे में सर्च करेंगे। अब अगर हम वैल्यू एंटर करते हैं 20 जो हम एक्स वेरिएबल में स्टोर करते हैं, सबसे पहले इस वैल्यू को हमें मैच करना होगा एरे के 0th एलिमेंट से, लेकिन ये वैल्यू तो 50 है तो ये मैच नहीं हो रहा, इसलिए हमें नेक्स्ट पोजीशन पे मूव करना होगा, यानी के एरे का फर्स्ट एलिमेंट। यहाँ पे भी वैल्यू मैच नहीं हो रहा, इसलिए हम नेक्स्ट एलिमेंट में जाएंगे। यहाँ पे भी वैल्यू मैच नहीं हो रहा है, इसलिए हम नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएंगे। ये वैल्यू है 20, ये वैल्यू मैच हो रहा है, यानी कि हमारा आउटपुट होगा वैल्यू फाउंड। अब अगर हम एक्स के लिए वैल्यू एंटर करते हैं 25, और लीनियर सर्च के हिसाब से एरे के फर्स्ट लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट के हिसाब से इसे मैच करना स्टार्ट करते हैं। अब क्योंकि ये वैल्यू मैच नहीं हो रहा तो मूव करना होगा नेक्स्ट एलिमेंट पे, जो है इंडेक्स पोजिशन 1 का वैल्यू। इसमें भी ये वैल्यू मैच नहीं हो रहा, इस तरह से हम एंड तक इसे मैच करते जाएंगे, लेकिन सारे एलिमेंट देखने के बाद भी ये किसी भी एलिमेंट के वैल्यू से मैच नहीं होता है, इसलिए हमारा आउटपुट होना चाहिए वैल्यू नॉट फाउंड। तो इसका सी प्रोग्राम लिखते हैं। यहाँ पे हमने एरे के वैल्यू स्टोर किए वेरिएबल वी में, मतलब हमारा एरे नेम है वी। अब हमें वैल्यू इनपुट करना है वेरिएबल एक्स में, इसलिए दो स्टेटमेंट प्रिंटएफ और स्कैनएफ। प्रिंटएफ स्टेटमेंट यूजर को इंडिकेट करेगा कि उसे एक्स में वैल्यू एंटर करना है, और स्कैनएफ से हम वैल्यू इनपुट करेंगे। अब इस एक्स का वैल्यू हमें एरे के फर्स्ट एलिमेंट से मैच करना स्टार्ट करना होगा, इसलिए हमारे फॉर लूप का काउंटर स्टार्ट हो रहा है 0 से, और हमें 0 से सारे एलिमेंट में वैल्यूज देखना है, इसलिए हमने लिखा है साइज ऑफ वी डिवाइड बाय 2। साइज ऑफ फंक्शन हमें इस एरे का साइज देगा। तो अगर इस एरे में 6 एलिमेंट है और इन डेटा टाइप का साइज है 2, यानी के 6 × 2 मतलब एरे का साइज है 12, लेकिन हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखने हैं, इसलिए हमें लिखना होगा साइज ऑफ वी डिवाइड बाय 2। तो यहाँ हमारा फॉर लूप रन होगा 0 से लेस देन 6 यानी 5 तक, क्योंकि हमें एरे का हर एलिमेंट एक्स के वैल्यू से मैच करना है, इसलिए हमने लिखा है इफ। अब अगर इस कंडीशन के हिसाब से एक्स एग्जैक्टली इक्वल टू वी ऑफ आई, यानी के एलिमेंट के वैल्यू से मैच हो रहा है, तो हमें डिस्प्ले करना होगा वैल्यू फाउंड, इसलिए हमने यहाँ पे प्रिंटएफ स्टेटमेंट लिखा है जो डिस्प्ले करता है वैल्यू फाउंड। और वैल्यू सर्च होने के बाद हमें और आगे सर्च करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि वैल्यूज को मैच करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने लिखा है ब्रेक जो लूप को एंड करेगा। अब आप देख रहे हैं कि हमने वैल्यू एंटर किया 25 जो एरे के किसी भी एलिमेंट से मैच नहीं होता है, यानी के लूप एंड होता है इस लूप का कंडीशन फॉल्स होने के वजह से। और ये कंडीशन फॉल्स होता है जब i का वैल्यू 6 यानी साइज ऑफ v डिवाइड बाय 2 होता है। इसका मतलब है जब लूप लास्ट एलिमेंट से x का वैल्यू मैच करने के बाद एंड होगा तो हमें डिस्प्ले करना है वैल्यू नॉट फाउंड। थैंक यू। शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले।